हेलो मुराद। हाँ निशा, कहाँ हो तुम? निमल को होश आ गया लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है। बेचारी हो सैफा और सैफा कर रही है। तुम कहाँ हो? जल्दी से आओ। मैं यही हूँ। आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ। खेल तो खेल लिया है तूने रूही। अब अगर साहब जी ने अनीशा बीबी के सामने खुद को बेकसूर साबित करके मुझे कसूरवार ठहरा दिया तो अम्मा की नौकरी के साथ साथ मेरी सारी कोशिशें भी बेकार चली जाएंगी। पर मैं भी ऐसा ड्रामा खेलूंगी ना कि साहब जी का सच अनीशा बीबी के सामने झूठा पड़ जाएगा और वो खुद साहब जी को छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन इस सब में तो मैं साहब जी की नजरों में गिर जाऊंगी और फिर वो मुझ जैसी धोखेबाज मकार लड़की को क्यों अपनाएंगे? कसम तोड़ दी तूने मुझे फोन ना करने की। बड़ी जल्दी की। क्या करूं, अब तुम्हारे जैसी कोई और दोस्त है भी तो नहीं मेरे पास। अब जैसी भी हो भाई, दोस्त तो हो ना तुम। जब इस बात का एहसास है तो फिर इतनी बदतमीजी क्यों करती है? अरे नहीं नहीं रूही, बदतमीजी नहीं करती मैं, वो बस गुस्से में ना सच निकल जाता है मेरे मुंह से। तो अपने मुंह पर काबू रखा करना, ये ना हो किसी दिन तोड़ दूं मैं। अच्छा बस भी कर, क्या हो गया है तुझे? बात हो रही है आज हमारी, कम से कम मेरी अम्मी का हाल चाल ही पूछ ले। कितनी तबीयत खराब है उनकी इतने दिनों से। ओ अगर कोई जरूरी बात है ना तो कर ले, वरना ये जज्बाती बातों के लिए ना रूही के पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अभी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज सोच रही थी मैं, डिस्टर्ब ना कर मुझे, रख दे फोन।